आज पिहोवा शहर के गांव चुनिया फार्म में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर के मौके पर गांव चुनिया फार्म व अन्य गांव और शहर के लोगों ने हिस्सा लिया और सैकड़ों की संख्या में भक्तगण चुनिया फार्म के विशाल मंदिर में पहुंचकर पहले पूजा पाठ की और शाम को शोभा यात्रा के रूप में अपने गांव से होते हुए दूसरे अन्य गांव में पहुंचे, जहां पर शोभा यात्रा में उपस्थित लोगों का हर घर में स्वागत किया गया और प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे गए। इस शोभा यात्रा में गाँव के हर छोटे बड़े भक्तों ने हिस्सा लिया और घर घर जाकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। इस शोभा यात्रा में एक भव्य फूलों से रथ को सजाया गया, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान थी, जिसका भक्तों ने पूरे जोर शोर से गुणगान किया। इस शोभा यात्रा के अवसर पर जब गांव के संयोजकों से बातचीत की गई तो उनका कहना था, ये बताइए कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण भगवान का जन्म दिवस है, उसके अंदर कृष्ण भगवान जी जो एक साल तक मंदिर के अंदर उनका स्वरूप रहता है, उनको कृष्ण भगवान जी खुद न्योता देने के लिए घर घर जाके उनका स्वरूप साथ में चलता है, झांकियों के रूप में कृष्ण भगवान जी खुद न्योता देने के लिए और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, उसके लिए ये शोभा यात्रा हर साल में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसके अंदर सारे ग्रामवासियों का शहरवासियों का बहुत भरपूर योगदान रहता है, जिसमें ये सारा गाँव घूम के रात के लगभग 9 बजे तक वापिस आएगी। शोभा यात्रा घर घर जाएगी, कृष्ण भगवान जी का जो ये आशीर्वाद है हर परिवार में हर सदस्य को भगवान खुद उनके घर देने के लिए जा रहे हैं आज। ये पूरे गांव में मनाया जाता है? हाँ, पूरे गांव में मनाया जाता है। और दूर दूर से भी लोग आते हैं? जी हाँ, दूर दूर से भी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँच के इसके अंदर अपना सहयोग देते हैं शोभा यात्रा के। आज जो ये शोभा यात्रा है चुनिया फार्म में हमारे देवा जी के सौजन्य में, ये गांव चुनिया फार्म से हर साल की तरह इस साल भी ये शोभा यात्रा हमारे गांव की तरफ से सभी धूमधाम से पूरे हर्षोल्लास से यहाँ के छोटे बच्चे बूढ़े माताएं बहनें सभी पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि 24 तारीख को दिन जन्माष्टमी का है, बहुत ही प्यार है, जो कि देश विदेशों में धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम सभी देशवासियों के प्रति, अपने गांव के प्रति यही कामना करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें और सुख संपत्ति सबको प्रदान करें।